फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चार आसान रेसिपीज जो हम बिस्किट्स को यूज करके बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे फोर इंग्रेडिएंट ओरियो ब्राउनीज। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 15 ओरियो बिस्किट्स। बिस्किट्स को हमें हाथों से इस तरीके से तोड़कर एक मिक्सर या चॉपर की जार में ले लेना है और इसे कोर्सली क्रश कर लेना है। बिस्किट्स क्रश हो जाए उसके बाद आप इसे एक बोल में निकाल लें। अब हम उसमें डालेंगे 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी 50 ml है। इन दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप या 50 ml दूध। इसे भी आप अच्छे से मिक्स करते जाएं। जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे आप देखेंगे कि जो ग्रैन्यूल्स हैं वो पिघल रहे हैं। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमें इसे बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखना है। तुरंत ही इसे एक ग्रीस्ड रेक्टेंगल बेकिंग टिन में आप डाल लें। इसे हम बेक करेंगे प्री हीटेड अवन में 180 डिग्रीज पर करीबन 25 मिनटों के लिए। आप 20 मिनट बाद एक बार टूथपिक डालकर चेक कर लें। अगर टूथपिक क्लीन नहीं आती है तो दोबारा से 5 मिनटों के लिए इसे आप ज्यादा बेक कर सकते हैं। अगर टूथपिक क्लीन आती है तो इसे कपड़े से ढककर आप थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे एक प्लेट पर निकाल लें। आप देख सकते हैं कि बहुत ही फजी ब्राउनीज रेडी है, वो भी सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स का यूज करके। हमारी ओरियो ब्राउनीज बनकर रेडी है। अब हम बनाएंगे ऑरेंज बिस्किट के मदद से केक। ये केक हमने सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स से बनाया है और इसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर को प्रीहीट करने रखेंगे। प्रेशर कुकर के बेस में आप नमक डाल लें। कुकर के लिड से आप गास्केट और विसल को निकाल लें और उसे इस तरीके से कवर कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख दीजिए करीबन 5 से 10 मिनटों के लिए। अब हम ऑरेंज बिस्किट्स लेंगे। हमने इस समय 12 से 15 ऑरेंज क्रीम बिस्किट्स लिए हैं। इसे आप मिक्सर जार में ले लें और इसे क्रश कर लीजिए। इसे कोर्सली क्रश करना है। बिस्किट का पाउडर हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम उसमें डालेंगे 1 tablespoon मिल्क पाउडर और 1 से 2 tablespoon पाउडर शुगर। शुगर आप बिस्किट की जो स्वीटनेस है उसके हिसाब से और आपके टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब धीरे धीरे करके आप उसमें पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। करीबन 100 से 120 ml पानी डालना है। आप धीरे धीरे करके इसमें पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। आप देखेंगे कि बिस्किट के ग्रैन्यूल्स जो है वो पिघल गए हैं। हमें इस तरीके का स्मूथ बैटर चाहिए ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का। अब हम इसमें डालेंगे 1 teaspoon इनो और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनो डालने के बाद बैटर को बहुत देर तक नहीं रखना है और तुरंत ही इसे बेक करने के लिए रख देना है। इस मिक्सचर को हम एक ग्रीस्ड बेकिंग टिन में ले लेंगे। इसे हम अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि ये मिक्सचर जो है वो लेवल हो जाए। हमारा कुकर जो है वो प्रीहीट हो गया है
उसमें हम एक स्टैंड लगा लेंगे और उस पर हमारा केक मोल्ड जो है वो रखेंगे बेक होने के लिए। कुकर की लिड आप बंद कर ले और इसे मीडियम हीट पर हम पकाएंगे करीबन 30 से 40 मिनटों के लिए। आप 30 मिनट बाद एक बार चेक कर ले टूथपिक डालकर, और अगर केक नहीं हुई है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और बेक कर सकते हैं। टूथपिक क्लीन है सो हमारी केक बेक होकर रेडी हो गई है। इसे थोड़ी देर के लिए कपड़े से ढककर रख ले और ठंडा होने दे। उसके बाद आप इसे टिन से निकाल ले। ऑरेंज बिस्किट केक जो है वो रेडी है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या तो इसे आइसिंग शुगर की मदद से गार्निश कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे पार्ले जी बिस्किट्स में से स्विस रोल्स। इसे बनाने के लिए हम 200 ग्राम पार्ले जी बिस्किट्स लेंगे और उसे इस तरीके से तोड़कर एक मिक्सर जार में ले लेंगे। इसे हमें कोर्सली क्रश करना है। क्रश्ड बिस्किट्स पाउडर हम एक बोल में निकाल लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून बटर, इस समय हमने सॉल्टेड बटर लिया है। अब हम उसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर। इसमें आप 1/3 दूध डालें, लेकिन आप इसे ग्रेजुअली डालें और इसका एक सख्त आटा लगा लें। आटे को आप अलग से रख लें। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 1/2 कप नारियल का बूरा, 1 टेबलस्पून बटर, 1/2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर और 1 से 2 टेबलस्पून दूध। स्टफिंग के सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा स्टफिंग बनकर रेडी है। अब हम हमारा जो आउटर लेयर है उसको अच्छी तरीके से बेल लेंगे। बेलते वक्त आप इसे 2 बटर पेपर शीट्स के बीच में रख के बेलें। इसे अच्छे से बेल लेने के बाद आप इसमें हमारी बनाई हुई स्टफिंग प्लेस कर लें और उसे इवनली हर एक जगह पे स्प्रेड कर लें। स्टफिंग अच्छे से स्प्रेड हो जाए उसके बाद आप बटर पेपर की ही मदद से धीरे धीरे करके इसके रोल बनाते जाएं। आप रोल बनाते जाएं और थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस करते जाएं। सब कुछ अच्छी तरीके से रोल हो जाए उसके बाद उसे बटर पेपर में लपेटकर आप 2 से 3 घंटों के लिए रेफ्रिजरेट कर लें और उसके बाद इक्वल स्लाइसेस में कट करके इसे सर्व करें। आज हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट्स में से केक, वो भी प्रेशर कुकर में। इसको बनाने के लिए सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम हमारे प्रेशर कुकर को प्री हीट करेंगे। उसके लिए आप कुकर के बेस में नमक डालें और उसे हाथों से इस तरह से फैला लें। उसके बाद उसकी लिड में से आप गास्केट यानी कि जो रिंग होती है और विसल वो निकाल लें और लिड को ढक कर कुकर को प्री हीट करने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दें। जब तक कुकर प्री हीट होता है तब तक हम हमारा केक का बैटर बनाएंगे। उसके लिए हमने 15 ओरियो बिस्किट्स लिए हैं और उसे हम चॉपर या मिक्सी जार में लेकर उसे क्रश कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बिस्किट्स क्रश हो गए हैं। इसे हम एक वाइट बोल में निकाल लेंगे। अब हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। टोटल में मैंने लिया है 1/3 कप प्लस
एक टेबल स्पून दूध, आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें और इसकी एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बैटर बहुत ज्यादा थिन नहीं होना चाहिए। आप इसे 3 से 4 मिनट तक मिक्स करते रहें तो आप देखेंगे कि जो ओरियो बिस्किट के ग्रैन्यूल्स है वो मेल्ट होते जाएंगे और एक बहुत ही स्मूथ बैटर बनता जाएगा। अगर आपको बैटर बहुत ज्यादा थिक लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और मिला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक स्मूथ और लंप फ्री बैटर बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून व्हाइट चॉकलेट चिप्स। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट चिप्स भी ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने एक छोटे से पैन को ग्रीस किया है बटर के साथ और उस पर बटर पेपर लगा लिया है बेस में, और मैंने अपना जो बैटर बनाया है वो इसमें पोर कर लिया है। इसे हम 2 से 3 बार टैप करेंगे ताकि एकदम ये लेवल हो जाए, और इसे अब हम रखेंगे हमारे प्री हीटेड प्रेशर कुकर में। कुकर के बेस में हम एक स्टैंड रखेंगे और उसके ऊपर हमारा केक मोल्ड रखेंगे। लिड को ढककर हम इसे बेक करेंगे मीडियम फ्लेम पर करीबन 30 से 40 मिनटों के लिए। बेकिंग टाइम जो है वो वेरी करेगा कुकर की कैपेसिटी के हिसाब से, सो आप 30 मिनट बाद अलर्ट रहें और चेक करते रहें। हमारा कुकर ओपन हो चुका है। केक में हम एक स्क्यूअर या टूथपिक की मदद से चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये क्लीन आया है, मतलब केक बनकर तैयार है। इसे हम बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। इसे आप कपड़े से ढक दीजिए और ठंडा होने दीजिए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इस पर प्लेट रखकर आप इसे इन्वर्ट कर लें। आप देख सकते हैं ये अच्छे से निकल आया है, डीमोल्ड हो गया है। अब हम हमारी केक का डेकोरेशन करेंगे। उसके लिए मैंने करीबन 1 से 2 टेबलस्पून व्हाइट चॉकलेट चिप्स लिए हैं और इसे मैंने माइक्रो किया है 1 मिनट और 30 सेकेंड्स के लिए। मैंने स्टॉप किया है हर 30 सेकेंड्स पे और इसको मिक्स करके चेक किया है। आप देख सकते हैं कि ये एकदम मेल्ट हो गए हैं। ये मेल्टेड चॉकलेट चिप्स को हम हमारी केक के ऊपर लगाएंगे और उसे एक फ्लैट स्पैचुला या एक फ्लैट नाइफ की मदद से लेवल कर लेंगे। हम डेकोरेट करेंगे चॉकलेट स्प्रिंकल्स से। हमारा ओरियो केक बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं एकदम फ्लफी और सॉफ्ट केक बना है।